करिश्मा सिंह अब बहुत अच्छा डांस करती है। धन्यवाद। अरे मैडम आपने क्या आइटम डांस किया है, बोले एकदम झकास। अरे मैडम पहले आपने बताया तो आप इतना अच्छा आइटम डांस करती है, देखो भीड़, तुम टिकट लगा देते अच्छा खासा पैसा कमा लेते, हमारा नुकसान हो गया। बताओ नुकसान का भरपाई हो गया। क्या बात है, किसी की बात न मानने वाले ने आज आपकी बात मान ली। क्यों नहीं मानेंगे बात पुष्पा जी, हमारे होने वाली भाभी है ना ये, और तो भाभी जो भी ऑर्डर देंगी वो हमको फॉलो तो करना पड़ेगा, इसलिए अब से भाभी जो हमें ऑर्डर देंगी वो हम फॉलो करेंगे। भाभी देखो शर्मा गई। जय हिंद सर। जी सर हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। मैडम सर आप ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं ना, हम आपके साथ आएंगे। करिश्मा सिंह आप क्यों बार बार हमें एक ही चीज कहने पर मजबूर करती हैं? आप हमारे साथ नहीं चल सकती, आप यहीं रहिए और थाना संभालिए। लेकिन मैडम सर अब तो हम आपके सारे ऑर्डर फॉलो करेंगे ना। करेंगे क्या, हम कर रहे हैं। आपने कहा नाचो तो देखिए हम नाच भी दिए। मैडम सर प्लीज हमारी बात को समझिए, हमें मिशन पर आपके साथ ले जाइए, हम आपके सारे ऑर्डर मानेंगे, आप हम पे विश्वास कर सकती हैं। हम मान तो रहे हैं आपका बात। कहां मान रही है आप हमारी कोई भी बात। हम आपसे कब से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं आ सकती, फिर भी आप हमारे पीछे पीछे चली आ रही हैं। कब मानती हैं आप हमारा कोई भी ऑर्डर? मैडम अब आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन और कुछ कहेंगी भी नहीं। दैट्स माय ऑर्डर। जीते हा? घर जाने का समय हो गया। और पुष्पा जी जा ही रहे हैं, हम जा रहे हैं। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे बेटा। करिश्मा जी कहाँ रह गए, कहीं नजर नहीं आ रही वो। नहीं है करिश्मा मैडम। हाँ तो हमको क्या लग रहा है पुष्पा जी, आपसे परेशान होकर ना मैडम बाइक पर ना हिमालय वाले निकल गयी। पुष्पा जी पता नहीं करिश्मा मैडम को क्या हो गया, आप जल्दी चलिए अंदर। करिश्मा क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा, जल्दी चलिए 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 चलिए। अच्छा करिश्मा अरे हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। करिश्मा जी को क्या हुआ, अच्छी बली तो खड़ी है। वही तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ खड़ी है वो, ना हिल रही है ना कुछ बोल रही है, कुछ नहीं कर रही। संतोष जी क्या चाहती हैं आप फिर से करिश्मा मैडम को डांस करते हुए देखना चाहती हैं का? अरे सीनियर है ये हमारी, पूरे दिन नाचते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, है कि नहीं मैडम? तो सुन ही नहीं रही है। देखा जी, नहीं मेरी भी नहीं सुन रही है ये। नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं सुन रही वो ठीक है, क्योंकि तुम तो कुछ भी बकैती करती रहती हो। मगर हुआ क्या आपको, क्या हुआ है बोलिए तो सही। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कुछ हो रहा है आपको? पुष्पा जी आपकी भी नहीं सुनी, चुप करो। अच्छा अब समझे, तो आप नाराज हैं हमसे। बताइए किस बात की नाराजगी, यूं यूं मिटा देती है आपकी नाराजगी। करिश्मा जी आपको घर चलना है कि नहीं? आय हाय देखो कुछ बोल ही नहीं रही वो। करिश्मा जी देखिए ना, अब हमारा दिल बैठा जा रहा है, अब हमसे मजाक मत कीजिए, बोलिए कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, इतने परेशान क्यों हो सब? देखे ना मैडम सर, दिन में तो इतना फुदक फुदक के नाच रहे थे, अब देखिए बुत बन के खड़े, ना कुछ बोल रहे ना कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है करिश्मा सिंह, क्या हुआ आपको, अब क्यों ऐसे? करिश्मा सिंह से समथिंग बोल दी है? अब तक तो कुछ बोल नहीं रही थी, अब अचानक कैसे बोल दी? करिश्मा सिंह क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़ी है? क्योंकि आपने कहा था एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, इसलिए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। एक मिनट हमने ये सब आपको कहा था 4 घंटे पहले, जब आप हमारे पीछे पीछे आ रही थी, अब 4 घंटे से वैसे ही खड़ी है बिना हिले डुले। और हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप नहीं कहेंगे आप ऑर्डर नहीं देंगे। आप हिल सकती हैं, आप बोल सकती हैं, यू आर फ्री। नहीं 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 मैडम सर, थोड़ी देर और ऐसे ही उनको खड़ा करती ना, देखिए तो कितना अच्छा लग रहा था, शांत शांत। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि आज के बाद हम वही करना चाहते हैं जो आप हमें कहेंगी, जो ऑर्डर देंगी हम वो मानेंगे बिना कोई सवाल जवाब किए किसी से भी।
क्या बात है, आज तक तो हमने सिर्फ ऐसा ही करिश्मा सिंह को देखा, मगर आज तो कुदरत का करिश्मा भी देख लिया। ये आपकी सारी बातें मानेंगे, आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। अच्छा लग रहा है। करिश्मा सिंह आइए केबिन में, आपसे कुछ बात करनी। आखिरकार हमने आपका जज्बातों वाले तरीके से आपका मन बदल ही दिया। आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया है कि हम इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। अब जब हम इस मिशन का हिस्सा, तो बताइए मिशन कहाँ है मैडम सर? शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। और आपसे किसने कह दिया कि हमने आपको मिशन का हिस्सा बना लिया है? आप इस मिशन पर नहीं आएंगे और आपका कोई भी तरीका हमारा फैसला नहीं बदल सकता। लेकिन काहे नहीं बदल सकता? हम भी तो यही जानना चाहते हैं ना कि इस मिशन का हिस्सा हम काहे नहीं बन सकते हैं। हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। पर अच्छा, अब हम समझे, आप हमें इस मिशन का हिस्सा काहे नहीं बनाना चाहती हैं? क्योंकि आप अकेले जो है पूरा क्रेडिट हड़पना चाहती है और अकेले मेडल लेना चाहती है, यही बात है ना? करिश्मा सिंह, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं धीरे भी कह सकती हैं। नहीं, हम धीमे नहीं कहेंगे। सबको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आप कितना बड़ा खुदगर्ज और स्वार्थी है। करिश्मा जी, ये क्या तरीका है मैडम सर के साथ बात करने का? और ये जिस तरीके से धोखा दे रही है वो ठीक है? करिश्मा सिंह, ये जो आप सपना देख रही है ना कि अनु भैया और मैडम सर का शादी होगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक नाटक है, एक प्लानिंग है इनके मिशन का। ये जो जज्बातों का ज्ञान देती है ना मैडम सर, आज हम सबके जज्बातों के साथ देखिए कैसे खेल रही हैं। ये क्या कह रही है करिश्मा जी? कौन सा धोखा, कौन सा मिशन? नहीं, वो नहीं बताएंगी, क्योंकि वो अकेली करना चाहती है ना ये मिशन, ताकि अकेली उनको वाहवाही मिले, हम सबको कुछ ना मिले। आप जरा ठहरिए, आप ठहरिए मैडम सर, आप बताइए क्या करिश्मा मैडम सही कह रही है? हाँ पुष्पा जी, करिश्मा सिंह सच कह रही है। जी नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सत्य नहीं है। हमने सुना जो आरोप आप हसीना जी पर लगा रही थी। बिना सत्य जाने आप कैसे किसी का अपमान कर सकती हैं? आपको सत्य जानना है ना, तो सुनिए। हसीना जी आपको इस मिशन पर इसलिए लेकर नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि इस मिशन से जीवित वापस लौटना असंभव है। ये आपको सुरक्षित रखना चाहती हैं और आप इन्हें स्वार्थी कह रही हैं। हम एक भयानक जैविक युद्ध को रोकने जा रहे हैं और अगर 1% भी शत्रु से बच गए ना, तो वायरस की आड़ में आकर मारे जाएंगे। जितना हमने सोचा था आप उनसे भी बड़ा वाला स्वार्थी निकली है मैडम साहब। देश के लिए मर मिटने का मौका मिल रहा है और आप अकेले लेना चाह रही हैं? भारत माँ की सेवा करने का हक हमें भी है, सिर्फ आपका नहीं है मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप हमें जो कुछ भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं, क्योंकि इस मिशन पर तो आप नहीं आएंगी। और आपसे किसने कह दिया कि देश की सेवा सिर्फ जान देकर की जाती है? इस देश को बंद सांसों से ज्यादा जिंदा धड़कनों की जरूरत है करिश्मा सिंह, इसलिए मिशन पर आप नहीं आएंगी, एंड दैट्स फाइनल। हाँ मियाँ, फिक्र मत करिए, हम जल्दी लौट आएंगे, ठीक है? अच्छा, हम आपको ना करिश्मा सिंह का नंबर दे रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करिएगा। हाँ हाँ अम्मी, हाँ ठीक है, तो चले। हाँ सर, हम 2 मिनट में आए। पुष्पा जी, ये हमारी वसीयत है, अगर हमें कुछ हो जाए तो आप अम्मी को ये देंगी। आप मना मत कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। नहीं
प्लीज। हमें भोलेनाथ जी पर पूरा भरोसा है, आप सही सलामत मिशन से वापस लौटेंगे। एक बात और, भले ही दुनिया इसे झूठ कहे मगर हम जानते हैं आपने अनुभव सर से सच्चा प्यार किया है, क्योंकि हमने आपकी आंखें देखी है और उन आंखों में उनके लिए छुपा प्यार भी देखा है। हम नहीं जानते ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मगर इतना जरूर जानते हैं कि आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। पुष्पा जी, सबसे पहले हम एक पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे लिए हमारा फर्ज, हमारा देश सबसे आगे आता है, और देश के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, तो फिर दिल क्या चीज है। आप मैडम सर हैं तो क्या आप बार बार जान देने की बात करेंगे? आप भी जानते हैं हमने हमेशा आपको हमारी बेटी की तरह समझा है, और उसी अधिकार से कह रहे हैं हम, दोबारा जान देने की बात की ना तो आपके कान खींच देंगे हम। हमें आपकी बहुत याद आएगी पुष्पा जी। हम भोलेनाथ से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। संतोष शर्मा, आपके साथ बिताए हुए पल हमें बहुत याद आएंगे। आप सच में बहुत मासूम हैं और मासूम के साथ साथ उतने ही समझदार भी हैं, इसलिए अपनी समझदारी और प्रैक्टिकलिटी के साथ केसेस सॉल्व करना सीख जाइए। चीता चतुर्वेदी, हमारे वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट, तुम जज्बाती के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो, अपने आप को कभी बदलना मत। अब यह थाना तुम लोगों को संभालना है। करिश्मा सिंह, जाने अनजाने में हमने आपको कई बार तकलीफ दी है, उम्मीद करते हैं आप हमें माफ कर देंगी, और अगर हमें कुछ हो जाए तो प्लीज हमारी अम्मी का ध्यान रखिएगा। हाँ मैडम सर निकल गई है, क्या हुआ? कुछ क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने डॉक्टर को दिखाया? आप एक काम कीजिए आंटी जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? हम आ रहे हैं। हाँ करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अम्मी ठीक है? नहीं, आप जाइए ना मिशन पे, जाइए, हम संभाल लेंगे। आपने कहा ना हमारा जिम्मेदारी आपकी अम्मी, तो हम संभाल लेंगे, आप जाइए मिशन पे। करिश्मा सिंह, अब होती कौन है हमें हमारी अम्मी की सेवा करने से रोकने वाली? हमारी अम्मी और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, आप भी नहीं, इसलिए बताइए उन्हें क्या हुआ है। यही हम आपको समझाना चाहते थे मैडम सर, कि आप कौन होती है हमें हमारी भारत माता की सेवा करने से रोकने वाली? आप कैसे आ सकती है हमारे और हमारी माँ के बीच में? बस यही हमें आपको रियलाइज कराना था कि हमें अपनी माँ की सेवा करने का हक है। बस आपको यही एहसास कराने के लिए ना हमने ये फोन का छोटा सा नाटक किया है। मातृभूमि के लिए जान देना और जान न्यौछावर करना हमारा हक है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं मैडम सर। एक बार और सोच लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने हमारे ही जज्बातों की पट्टी हमें ही पढ़ा दी। आप ठीक कह रही हैं, हम कोई नहीं होते आपके और आपकी मातृभूमि के बीच आने वाले, आप हमारे साथ इस मिशन पर चल सकती हैं। धन्यवाद, लेकिन एक शर्त पर, हम इस मिशन से जिंदा लौटे या ना लौटे, आपको जिंदा लौटना होगा। हम आपसे वादा करते हैं मैडम सर, हम, आप और अनुभया एक साथ वापस आएंगे, वो भी सही सलामत। हम ना मैडम सर ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। मर के नहीं, लड़के मिशन पूरा होगा।
हमें इस मिशन को जीत कर ही आना होगा। मिशन जीत के लिए तैयार है? यस सर। मैडम सर, हम भी चलेंगे आपके साथ इस मिशन पर। इतने खतरनाक मिशन पर हम आप सबको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। पुष्पा जी, हम बिल्कुल मैडम सर अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप सब जहां, हम भी वहां। ठीक है, लेकिन यह मत भूलिएगा कि यह आपके देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। जान चली जाए लेकिन देश पर आंच ना आए। अंडरस्टूड? यस सर। टीम महिला पुलिस थाना। यस सर। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये मिशन हमारे लिए केवल एक मिशन ही नहीं है बल्कि एक चुनौती है जिसे हमें किसी भी हाल में जीत के आना है। कोई मेडल या प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि उस कसम के लिए जो हमने वर्दी पहनते वक्त ली थी, देश के संविधान और देशवासियों की सुरक्षा की कसम। लक्ष्य जटिल है क्योंकि हमारी लड़ाई गोली बारूद से नहीं बल्कि एक ऐसे जैविक अपराध से है जो कब, कहां और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। चिता, नेक्स्ट। हाँ ये, जी सर। ये महिपाल सिंह है और हमारे विचार में आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे ही। हसीना मलिक के मुंह बोले चाचा। और ये हैं इस षड्यंत्र के मुख्य कर्ता धर्ता। हमारे इस मिशन के मुख्य लक्ष्य, खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले के असली शातिर दिमाग और कानून के अपराधी। माफ कीजिए सर, लेकिन कानून के हिसाब से जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता उसे अपराधी कहना उसके मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते आप महिपाल सिंह को संदिग्ध कहेंगे तो बेहतर होगा। जज्बाती होना बहुत अच्छी बात है हसीना मलिक, लेकिन तब जब सही समय पर और सही इंसान के लिए दिखाए जाए। और हमें लगता है कि इन जज्बातों के लिए ना ही ये सही समय है और सही इंसान। आपके ये बेमतलब जज्बात हमारे इस मिशन को घातक साबित कर सकते हैं, इसलिए आप अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखें और मिशन पर फोकस करें। महिपाल सिंह एक देशद्रोही है और उसे गिरफ्तार करके हम लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान बचाने वाले हैं। ये होना चाहिए हमारा असली लक्ष्य। फिर से माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम ना ही लक्ष्य से भटक रहे हैं और ना ही किसी को फेवर कर रहे हैं। हम बस आपको गलत होने से रोक रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए हमारा देश और हमारी वर्दी सबसे पहले आती है। आपकी देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है हसीना मलिक। देश के लिए आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ हमारे साथ खड़ी हैं। यही आपकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम तो बस मुद्दे पर रह सकते हैं सर। बताइए हमें आगे क्या करना है। अंदर जाने के पश्चात हमें महिपाल सिंह की हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखनी होगी। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए और हमारे असली मिशन की भनक तक नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के लिए आप सब लोग हसीना मलिक के सहकर्मी हैं और आखिर तक आप सभी लोगों की यही पहचान होनी चाहिए। Yes, sir. और चाहे कुछ भी हो जाए हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। सर, क्या झूठ बोलते हो आप? मतलब मैं भी आपकी तरह झूठ बोलना सीखना चाहती हूँ। मैडम सर पे लट्टू होने का जो झूठ बोला है आपने, हम सब ने यकीन कर लिया कि आप मैडम सर के बॉयफ्रेंड हो और आप उनसे शादी करना चाहते हो। सर, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है ना। मैं तारीफ कर रही हूँ, तारीफ है ये।
हर किसी में नहीं होता है सर, अब पुष्पा जी को ही देख लो। अगर उन्हें बोले ना कि झूठ बोलना है, एक्टिंग करनी है, तो कितनी ओवर एक्टिंग करती है, ऐसे 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 करके ओवर एक्टिंग करती है। और मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, पेट में दर्द हो जाता है। बस इतना ही, कंटिन्यू। धन्यवाद। इट्स ओके सर। कितनी मासूम है आप, ये मासूमियत ओवरफ्लो हो रहा है तुम्हारा मासूमियत, है ना? इसको कंट्रोल में करो अपने मासूमियत को, नहीं तो किसी दिन गन निकल जाएगा ना और गोली वोली चल जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारे मासूमियत का। उफ़ी मासूम, उफ़ी मासूम। अनु भैया, आप हमें सर सर आप हमें ये बताइए कि हम आपके क्या बन के जाए, आपका बहन बन के जाए या फिर इनका कलीग बन के जाए, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से भी कोई जाना चाहिए ना। आप कुछ भी बनकर नहीं चलेंगी क्योंकि आप हमारे साथ आ ही नहीं रही हैं। का वो नहीं आ रही है? चलो अच्छा है, देखिए आप सीधा यहाँ से घर चली जाएंगी ना तो छोले भिगो के आए हैं, गरम गरम पूड़ियाँ बना दे रहे। नहीं नहीं सर, क्या है ना घर में सब कुछ हम ही को तो करना पड़ता है, ये कहाँ कुछ करती है, तो इसलिए समझा रहे हैं। पुष्पा जी ये कहीं और जा रही हैं जहाँ पे इन्हें असल में जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे आ रहे थे। चीता नेक्स्ट। प्रसूति चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसे महिपाल सिंह चलाता है और जिसकी सारी देखभाल दत्ता करता है जो उसका राइट हैंड है, जिसे कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में यहां देखा गया है, और खुफिया सूत्रों के अनुसार यही वो जगह है जहां से शंकाजनक गतिविधियां हो रही हैं। और हमें यहां क्या करना होगा सर? आपको किसी भी तरह उस हॉस्पिटल के अंदर जाना है और पता करना है कि वहां क्या चल रहा है। ये बहुत खतरनाक काम है, इसलिए हमारे हिसाब से इस काम को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। सर सर अगर ऐसा है तो फिर हम इनके साथ चले जाएंगे, वहां इन्हें भी तो किसी की मदद की जरूरत होगी। नहीं पुष्पा जी, हमें लगता है कि इस काम में करिश्मा सिंह के साथ अगर कोई जाएगा तो शायद गड़बड़ हो जाए, उन्हें अकेले जाना चाहिए। हमें भी यह लगता है कि करिश्मा सिंह को अकेले ही जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। लेकिन सर, अरे काहे लोट ले रही हैं आप, जब आप मूड में होती है तो कहती है ना कि हम शेरनी है, तो फिर विश्वास रखिए ना आप अपना शेरनी पर। हम जाएंगे और शिकार के जबड़े में से ना उन मासूम जानों को निकाल कर रहेंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा सर कि हम उस मासूम जानों को बचाएं। करिश्मा सिंह एक बात याद रखिएगा कि इस मिशन में हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों मासूम लोगों की जानें दांव पर लगी हैं, इसलिए आपको जो भी करना है संयम और सूझबूझ के साथ करना है। यस सर। अपने जोश पर होश का नियंत्रण अवश्य रखिएगा, आप अंदर शेरनी बनकर नहीं चीता बनकर जाएंगी। सर अगर ये चीता बनकर जाएंगी तो फिर ये चीता क्या बनकर जाएगी? हम सही समय पर हमला करेंगे और देशद्रोहियों को गिरफ्तार करेंगे। सब तैयार हैं? यस सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा हमारा देश। हमें उन मासूमों को बचाना है और हम बचाएंगे। बचाएंगे सर। मिशन पूरा होगा। होगा सर। जय हिंद। जय हिंद। संतू। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। और देखो ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है, बहुत खतरा है इसमें। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है और किसी से उलझने की भी जरूरत नहीं है, जान का खतरा है, इसलिए जो काम बताया गया है वो करके चुपचाप घर वापस आना है। और हाँ ये जो गुस्सा है ना, गुस्से को जरा काबू में रखना। हाँ वहाँ किसी को भोकाल वोकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पुष्पा जी, आजकल मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है, किसी को कोई खतरा नहीं है, मेरे भोकाल से सब सेफ है। उफ़ ये मासूमियत। सॉरी। देखो हम जो कह रहे हैं ना वो चुपचाप सुनो, हमको पता है तुम्हारा स्वभाव कैसा है, झक्की हो तुम एक नंबर की। माँ तुमको खड्डा दिखाई नहीं देता है क्या? देखा देखा कब तुमको गुस्सा है ना, खुद तुमको पता नहीं होता है, इसलिए संयम रखना। संयम क्या कह रहे हैं हम, सुन भी रही हो तुम? हाँ सुन लिया पुष्पा जी, मातेश्वरी सुन लिया हमने, हमको संयम से काम लेना है, हम मिशन के लिए जा रहे हैं और हम झक्की हैं लेकिन चूरन नहीं है जो किसी पे भी राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। मिशन का मतलब हमको समझ में आता है, हमारी टेंशन लेना बंद कीजिए, हम संयम से काम लेंगे। संतोष शर्मा आगे मोड़ पे गाड़ी रोकिएगा। करिश्मा सिंह जी आप यहीं उतर जाइए, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं, हम
हम आपको सीधे मंजिल पर मिलते हैं। यस सर। अपना ध्यान रखिएगा। जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम। जय हिंद। जय हिंद। मैं लगातार गाड़ी के पीछे हूँ, इनमें फेक उतर के गई है, मैं गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। लाओ हाथ आगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये वो प्रसाद नहीं है, सैनिटाइजर है। हाथ में लगा लीजिए ना। देखिए बीमारी का कहा है ना, बोल के तो आती नहीं है ना, अपना देखती है ना पराया देखती है, बस हो जाती है थोड़ी सी सावधानी तो मतलब तो परेशानी अब इसी बात पे देताली देताली। छोटी माँ इस बात में बहुत पर्टिकुलर है, बिना सैनिटाइजर के तो यहाँ पे किसी को बीमारी के सपने भी नहीं आ सकते, उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आना पड़ता है इस घर में। क्यों छोटी माँ है ना। शैतान। ये है हमारी छोटी माँ गेंदा माँ। बड़ी माँ के गुजर जाने के बाद इन्होंने इस पूरे घर को संभाला है, इस परिवार को संभाला है और बहुत ही अच्छे से संभाला है। और ये है हमारी बड़ी प्यारी सी मानसी। कहने को तो ये बड़ी माँ की बेटी है लेकिन छोटी माँ ने इन्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है ना। और हाँ, इसकी ना भोले भाले चेहरे पर मत जाना, एक नंबर की शैतान है ये। छोटी माँ ये अनुभव है। गेंदा माँ चलिए हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएं। ये है पुष्पा जी, हमारे थाने की सबसे सीनियर हेड कांस्टेबल। ये है संतोष शर्मा, साइबर स्पेशलिस्ट। और ये है चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। कहने को तो ये हमारे कलीग्स हैं लेकिन बिल्कुल परिवार जैसे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे शुभ अवसर पे परिवार को ही साथ लाया जाता है। स्वागत है आप सबका और आपका भी माता जी। जी धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी थोड़ी लगेंगे हम इनके।
आप एक काम कीजिए, आप ना हमें अपनी छोटी बहन जैसी मान लीजिए। नहीं 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 नहीं, छोटी बहन तो हम लगेंगे आपकी, इसलिए हम आपको दीदी बुलाएंगे, ठीक है दीदी? जो बुलाए बुलाइए, कोई मानेगा थोड़ी। चलिए चाय पीजिए। छोटी माँ, हाँ चाची जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? आजकल तो हमें भी दिखाई नहीं देते वैसे कहीं। 24 घंटे ना अपने कमरे में बंद ही रहते हैं, पता नहीं किस किस के साथ मीटिंग 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 मीटिंग, बस और कुछ भी नहीं। वैसे ना व्यवहार भी ना उनका आजकल थोड़ा सा विचित्र सा हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आता। आते हैं जाते हैं बस, परिवार की तो जैसे फिक्र ही नहीं है उन्हें। मैं बुला के लेके आती। ये देख आ ही गए। देखिए कौन आया है। जीते रहो जीते रहो। कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, और अगर होती भी तो आना तो था ही, वरना हम कुंवारे रह जाते। इस विवाह के लिए आपकी बेटी की पहली और आखिरी शर्त यही है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहें। और हमने ना कह दिया तो? हमें नहीं लगता कि आप ना कहेंगे सर। बहुत भरोसा है आपको अपने आप पर? आप पर भरोसा है सर, क्योंकि आप अपनी बेटी की किसी भी खुशी के लिए ना कैसे कह सकते हैं। बातें अच्छी बना लेते हो। बैठिए। उसी की तो तनख्वाह मिलती है ना सर, नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट जो ठहरे। बातें नहीं बनाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला अच्छा पति भी साबित हो। सर, अच्छा पति भी साबित हो और साथ साथ अच्छी बातें भी करता हो, ये कॉम्बिनेशन भी तो दुर्लभ ही है ना। वैसे हम आपकी बेटी के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय तो आपको लेना है, और हमें पूरा विश्वास है कि आपका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका निर्णय आपके जीवन के अनुभव के आधार पर होगा, और हमारा नाम तो अनुभव ही है। तो बताइए सर, क्या जवाब है आपका? इस रिश्ते के लिए क्या आपकी हाँ है? सीरियस जी, आपकी जान सूखी जा रही है। हाँ कह दीजिए ना, पुलिस वाले ये हैं, आप थोड़ी जो इतना वक्त ले रहे हैं। हसीना जी, हमें लगता है कि जिस लड़के को तुमने चुना है वो एकदम सही है। तुम्हारे लिए इससे बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। तो भाई, हमारी तरफ से हाँ है। अरे यार दिखता। मेरे को मैडम, थैंक यू थैंक यू। आपने वो कहानी तो सुनी होगी
जिसमें एक राक्षस के प्राण एक पंछी में होते हैं। हम राक्षस तो नहीं है, हाँ लेकिन हमारे प्राण हमारी बच्ची में है। बस यूं समझो कि हम अपने प्राण आपको सौंप रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए सर, हम अपने प्राणों से अधिक आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके प्राण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं, आप बोलिए। चलो आज तो हम बहुत खुश हैं, हमने तो तय कर लिया तुम दोनों की शादी में ना हम मुख्य द्वार पे लगवाएंगे एक बड़ा सा फव्वारा। सैनिटाइजर का? नहीं नहीं, गेंदे के फूल का। तुम्हारा नाम गेंदा है ना, इसलिए खूब सजेंगे, सजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। नॉट पॉसिबल, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकते? ये संतु है, संतु में संतु ही है। उसके कहने का मतलब ये था कि शादी ऐसे धूमधाम से नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कोर्ट मैरिज करनी है ना, इसीलिए धूमधाम से नहीं हो सकती। ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ वो भी ठीक है, वो भी सही है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, तो फिर हम ना एक छोटा सा समारोह रख लेते हैं आज। देखिए शादी फिक्स हुई है, आज तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, क्यों दीदी? हाँ हाँ बड़ी दीदी, आज हम परछा की रस्म रखेंगे, जाइए तैयारियां शुरू करवाइए। आज नहीं भाई, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, कल कर लेंगे। हाँ देखिए रस्म हम आज ही करेंगे, आप मीटिंग कल कर लीजिए ना। समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी, मैं टाल नहीं सकता। बेटी से ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं उससे जरूरी नहीं, लेकिन नहीं हो सकता है। रस्म हमें आज ही करनी है, बस हमने फैसला ले लिया है। छोटी माँ जाने दीजिए ना, बहुत जरूरी काम होगा तभी तो चाचा जी इस तरह से। तुम हमारे मामले में मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा, हमें भी तो देखना है ना हमारी बात का इस घर में क्या महत्व है। नहीं मान जाइए ना बाबा, मीटिंग कल कर लेना। सर जी जब सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान जाइए ना। सर मीटिंग ही तो है, कल कर लीजिएगा प्लीज। अरे आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मैं किसी भी हालत में मीटिंग कैंसिल। सुनिए सुनिए, अच्छा एक काम कीजिए, आपको मीटिंग आज करनी है ना, तो अपनी मीटिंग ना आप आज ही कीजिए, पर कुछ देर बात की रख लीजिए ना। देखिए रस्म भी हो जाएगी और फिर आज की मीटिंग भी हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे, मान जाइए ना। हाँ ये काम हो सकता है। तो फिर दो ताली। ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है जिसे टाला नहीं जा सकता, शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा। ये दीजिए एडमिट कार्ड, वार्ड नंबर 3 में जाना है। जी पुष्पा जी। कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? वो हमारी उल्टी आँख भड़क रही थी ना, तो आपको लगा हम निपट गए, हमारा कल्याण हो गया? जब भी मुंह खोलती जली कटी ही सुनाती है ना आप, कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। अरे अशुभ तो तभी हो गया था ना पुष्पा जी, जब हमारे कदम आपके घर पर पड़े थे, तब से सब अशुभ अशुभ ही तो चल रहा है आपकी जिंदगी में। देखिए हमें आपकी चिंता हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं, और क्या बकवास किए जा रही हैं आप? नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा तो आप रोज सुबह उठ के पूरी दुनिया को बताती हैं ना। आपसे बात करना मतलब करिश्मा जी। अच्छा देखिए कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में दाखिला ले रहे हैं। पीछे का रास्ता मिल गया? पीछे का रास्ता का है, हम क्या कोई चोर है, हम कोई उचक्का है, हम
सीधा सीधा औरत है, हम सीधा सीधा रास्ते से अंदर जाएंगे, बिल्कुल फ्रंट डोर से जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। वो महिपाल सिंह का अस्पताल है और वहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती है। कदम कदम पर दुश्मनों से भरा पड़ा है, थाना नहीं है वो कि मुंह उठा के आप कहीं से भी चल दिए, पकड़ी गई तो। पुष्पा जी रखिए अब फोन। एक बात नहीं सुनती हमारी, शिव जी करिश्मा जी की रक्षा कीजिए। सर पुलिस वाली हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी है। मेरे ऑर्डर्स आने तक इंतजार करिए, सही वक्त आने पर हम खुद आपको कॉल करेंगे। जिक्र आपके चाचा कर रहे थे, हमें लगता है कि ये उसी हमले से संबंधित है। इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आपका घर है, कैसे आप करेंगी आप जाने, लेकिन हमें इस मीटिंग की पूरी जानकारी चाहिए। आपके चाचा किससे मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं, उस मीटिंग का उद्देश्य, योजना, सब कुछ विस्तार से, समझ गई आप? ओके सर, हो जाएगा। अपने काम में लग गए ना, वो नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए चलिए ना, आप आइए, आप आइए मेरे साथ, चलिए जल्दी चलिए। पंडित जी नमस्कार। जजमान, अब आप जो भी भेंट या उपहार अपने दामाद को देना चाहे दे सकते हैं। हम बस अभी आए। सुनो, कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं मैंने तुम्हें। अब वो आज ही हमने दाखिला लिया ना, आज ही हो। तो फिर बाहर क्यों घूम रही हो? अपने कमरे में जाओ। वो कौन सा कमरा है तुम्हारा? हमारा कमरा वो ये हमारा कमरा है। तो जाओ अपने कमरे में। मन नहीं लग रहा था इसलिए हमने सोचा कि हम देखें। जाओ जी जी, हम जा रहे हैं। पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है।
हो गया, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। सर जी, सर 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 एक मिनट, सर सर एक मिनट, हम थोड़ा बाबा से बतिए। बाबा, ए बाबा, घोर अनर्थ क्या कर रहे हैं? कैसा झोला छाप पंडित हैं आप? ना कैसे बोल सकते हैं आप उनको प्रस्थान के लिए? अभी विधि संपूर्ण नहीं हुआ है, मंत्र पूरा नहीं हुआ है, वधु के पिताश्री है ये, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, पंडित मैं हूँ कि तुम हो? देखिए, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है, सुपुत्र श्री गंगाधर चतुर्वेदी, हम भी पूर्ण रूप से पंडित है। चलिए साइड होइए, हमको भी थोड़ा बचा कुचा मंत्र उच्चारण करने का मौका दीजिए। चलिए उठिए, हो गया। दक्षिणा एक कोई मिलेगी, चाहे आप कतरे पंडित बिठा लो यहाँ पर तुम। अरे बच्ची को ले आ। माइक्रोफोन के जरिए हम यहाँ चल रही बातें और सारी खुफिया मीटिंग्स के बारे में जान जाएंगे।